सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपको दैनिक राशिफल बता रहे हैं। यह राशिफल है 18 फरवरी 2018। रविवार का दिन है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र विद्यमान रहेगा। रविवार का दिन है। 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? रविवार का दिन है। महालक्ष्मी की विशेष कृपा इस दिन होगी क्योंकि तृतीया तिथि जया तिथि कहलाती है और जया तिथि माता महालक्ष्मी की प्रिया तिथि कहा जाता है। तो इस दिन 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा, 12 राशियों का भाग्यफल कैसा रहेगा? अब हम बात करते हैं मेष राशि की। दूसरों की मदद करने से फायदा होगा। नए लोग, नई विधा, नए क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ क्षेत्रों में नई शुरुआत कर सकते हैं। आज शुरू किए गए कामों में थोड़ा समय आपको सफलता प्राप्ति में मिलेगा। आमदनी बढ़ाने के नए तरीके आपको पता चलेंगे। बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत भरा दिन रहेगा। आज जो भी मेहनत आप करेंगे उसका दूरगामी परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। नए सौदों से आपको लाभ मिलेगा। हर किसी को समय देने के बजाय अपनी प्राथमिकता आपको तय करनी होगी। नया बिजनेस भी आपका शुरू हो सकता है। विवाह के प्रस्ताव आपके आएंगे। बचत, निवेश और खर्च के मामले में आप अचानक और जल्दबाजी में कई फैसले कर सकते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी फैसलों को करने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। जमीन जायदाद की खरीदारी, घर में किसी तरह का बदलाव या सुधार के कामों में थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। भाइयों और दोस्तों का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ खास कामों में अचानक रुकावट भी आपको आ सकती है। लेन देन में झूठ का सहारा लेने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए झूठ का सहारा बिल्कुल न ले। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तनाव से बाहर निकलने में आज आपको मदद मिलेगी। आज आप दूसरों की मदद करेंगे। रिश्तों और दोस्ती को लेकर के कुछ नया करने की आपके अंदर इच्छा रहेगी। पुराने मामले सुलझाने के लिए सही समय है। दोस्त या प्रेमी के साथ संबंधों में सुधार करने की कोशिश करें। आप वही बात कहें जो आपका मन कहता है। इससे आपके प्रेम क्षेत्र में, आपके दाम्पत्य जीवन में कई अच्छे और नए बदलाव आएंगे। घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के विचारों को समर्थन मिलेगा। रोजमर्रा के काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। भूमि, भवन और वाहन संबंधी सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। और माता के सुखों में या माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। खर्च पर सख्ती से नियंत्रण रखें। कुछ लोगों के कारण आप भावनात्मक रूप से परेशान रहेंगे। इसी प्रकार कुछ लोगों से बहस या अनबन जैसी स्थिति बन सकती है। आपका ध्यान भी भटक सकता है। भाई बहनों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। आप परेशान हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कार्य क्षेत्र पर कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा या महत्वपूर्ण बातचीत कार्य से संबंधित हो सकती है। आप कई तरह की समस्याओं से निपट लेंगे। लोग भी आपके लिए मददगार रहेंगे। कुछ अनपेक्षित अर्थात आपको पता ही नहीं है ऐसी घटनाएं भी घटित हो सकती है। उन पर आपको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कार्यक्षेत्र में खुशी मिल सकती है। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। वाहन, बाइक आदि का यदि आप उपयोग करते हैं तो सावधानी से करें। नौकरी और सेहत के बारे में दूसरों के भरोसे न रहे। नुकसान भी हो सकता है। हड़बड़ी में कोई काम की बात ठीक से नहीं समझ पाएंगे। दूसरों को लेकर के टेंशन रहेगी और दुखी भी आप हो सकते हैं। नजदीकी संबंध आपके लिए परेशानी बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कोई ऐसी बात आप कह सकते हैं जिससे समस्या और बढ़ जाएगी। सावधान रहें। आपकी बेचैनी और उत्सुकता परेशानी बढ़ा सकती है। मकान या भूमि संबंधी कामकाज और खर्चों की आपको टेंशन रहेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
आप सक्रिय रहेंगे, आपको कुछ लोग और घटनाओं से जुड़ा पूर्वा आभास भी आज हो सकता है। जो बात आप काफी समय से मन में छुपाए हुए हैं, वह आज आपके सामने आ सकती है। आप जो भी करेंगे बहुत सोच विचार करके करेंगे, कोई ना कोई योजना बनाने के काम में आप लग जाएंगे। छोटी बातों पर ध्यान देने से आपको कामकाज में सफलता मिलेगी। आज आप कोई भी काम एकाग्रता से कर लेंगे, दूसरों की मदद आप करेंगे और पुराने दोस्तों के बारे में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान से सुख मिलेगा, अचानक धन लाभ हो सकता है। किसी खास मामले में आपको किसी की मदद का इंतजार भी रहेगा। परिवार के कुछ खास मामले सुलझाने में आप ज्यादा समय दे सकते हैं। दूसरों की बिराई और दूसरों की निंदा बिल्कुल ना करें और उनके साथ नकारात्मक तरीके से पेश आने से आपको बचना होगा। अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। सोच समझकर या किसी की सलाह लेकर ही कोई बड़ा यदि निवेश करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। घर परिवार जमीन जायदाद के जो भी मामले हैं आज वह सुलझ जाएंगे। सकारात्मक सोच को रखें, हर मामले पर खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार रहें। आज होने वाली ज्यादातर बातचीत और सौदेबाजी आपके पक्ष में रहेगी। कुछ नए लोगों से दोस्ती होगी, कोई पार्ट टाइम काम भी आपका शुरू हो सकता है। अटके हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। काम धंधे में भी कुछ लोगों का समर्थन मिलेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। नया यंत्र या नया वाहन, नया मोबाइल, नया कंप्यूटर या नई वस्तु खरीदने का आज आप मन बना सकते हैं, या ऐसी कोई योजना भी आज आप तैयार कर सकते हैं। अपने शब्दों को लेकर के खास तौर से आपको सावधान रहना होगा। कोई दोस्त आपके लिए थोड़ा ज्यादा ही स्वार्थी हो सकता है, सावधान रहे। आज आप विरोधियों का सामना करने में सक्षम होंगे। आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। आपकी भावना या मन की बात किसी से शेयर करने में सावधान रहे। खर्चे संबंधी टेंशन भी आपको हो सकती है और दिन आपके लिए वैसे तो अच्छा रहेगा। परिवार से जुड़े कई मामले जो है आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। पारिवारिक चर्चाएं होंगी और परिवार से जुड़े कई मामलों पर आज बड़े निर्णय हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपकी जरूरत होगी। पारिवारिक गलतफहमी को सुधारने की कोशिश करेंगे, इससे आपको कुछ हद तक सफलता भी मिलेगी। पुराने विवाद और परेशानियां खत्म हो जाएगी। किसी पुरानी बात को फिर से उठाना समझदारी नहीं है, खरीदारी होगी। आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस नहीं होगी। सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। किस्मत का साथ आपको आज लगातार मिलेगा। आपकी योजनाएं सफल होगी और खर्चा आपका कुछ ज्यादा हो सकता है। कुछ लोगों से मन मुटाव भी रहेगा। थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। कामकाज में मन कम लगेगा, सावधान रहे। बातों को तोड़ना मरोड़ना, अपने कामकाज या कही हुई बातों में जरा भी बेईमानी करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। निवेश का कोई मौका आज आपको अचानक मिल सकता है। धन प्राप्ति का भी कोई अच्छा अवसर आपके हाथ लग सकता है। खुद पर भरोसा रखें, भाग दौड़ बहुत रहेगी। आसपास की यात्रा आपकी हो सकती है। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी। विचार विमर्श में आपको कुछ नई बातें आज पता लगेगी। मन की बातें किसी से शेयर करने की इच्छा रहेगी। दोस्तों या भाइयों से आपको मदद मिलेगी। कोई नया व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कोई महत्वपूर्ण और बड़ा काम आज शुरू कर सकते हैं। साथ काम करने वाले लोगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। अपनी बातों पर जरूरत से ज्यादा जिद करने के कारण बेवजह किसी विवाद में आप फंस सकते हैं। कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। काम धंधा बढ़ाने के लिए मेहनत आप करेंगे तो उसमें आपको पुरस्कार मिलेगा। भाइयों और परिवार वालों से आपको मदद मिलेगी। आज किसी समझौते पर आपकी सहमति रहेगी जिसमें आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। आप कोई ऐसा स्टेप भी ले सकते हैं जिससे कैरियर में कुछ अच्छा बदलाव हो जाएगा। कामकाज में सफलता मिलेगी। इनकम आपकी बढ़ सकती है। रुके हुए कामों में थोड़ी तेजी आएगी। पत्नी से भी आपको मदद मिलेगी। आज आप इस बात को समझे कि कोई मामला या इंसान
जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। कोई बड़ा वादा या बड़ा फैसला करने से आपको बचना होगा। रोजमर्रा की भाग दौड़ से निश्चित तौर पर थकावट आपको महसूस होगी। अपने आक्रामक रवैये को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। आपका व्यवहार आपके ही लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। सेहत संबंधित कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पैसों के मामलों में बड़ा फैसला लेने और कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है। पैसों के बारे में किसी से बात करनी है तो इस मामले में सावधानी से बातें करें। नेगेटिव रिस्पांस भी आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। नजदीकी दोस्तों और प्रेमी जनों से आपको आज मदद मिलेगी। किसी बुजुर्ग से सलाह लेंगे तो समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। उत्सुकता के कारण नई बात भी सीखेंगे या समझेंगे, वो आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद साबित होगी। किसी लिखित बात को आपके जीवन पर गहरा असर और आश्चर्यजनक असर हो सकता है। किसी भी खास काम के नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। धैर्य आपको रखना चाहिए। समय का इंतजार करने में ही भलाई है। अपने काम पर ध्यान दे। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों की इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है। किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अपने काम आप बिगाड़ सकते हैं। नए संबंध शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। नए लोगों से बातचीत यदि करना चाह रहे हैं तो उसे आज के दिन टाल दें। परेशानी वाला दिन थोड़ा हो सकता है और तनाव आपके मन में दिखाई देगा। किसी खास काम को पूरा होने में अतिरिक्त समय लग सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। आज आप कुछ ज्यादा ही संवेदनशील रहेंगे। आपके साथ कोई न कोई परेशानी बड़ी रहेगी। आप खुद के साथ आसपास वालों का मूड भी खराब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कोई उपहार आपको आज प्रसन्न कर सकता है। अचानक धन लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। कोई भी बड़ा फैसला करने के पहले सोचे और किसी से सलाह लेकर ही कोई काम करे। जीवन शैली में थोड़ा सुधार हो सकता है। मन की बात मन में ही रखे। अपने पक्ष में कोई सफाई देनी हो तो उतनी ही बात करे जितनी जरूरी हो। खुद को शांत रखें और ठंडे दिमाग से उस पर विचार करें। वास्तविकता समझें। आपके सामने आने वाली समस्याएं आपको जो है आगे समस्याएं और पैदा कर सकती है, इसलिए उन पर शांति से विचार करें। आज आप उन कामों पर ध्यान दें जो बहुत दिनों से आपको परेशान किए हुए हैं। कामकाज में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। कुछ पुराने दोस्त भी आज आपको मिलेंगे। ऐसे दोस्तों की मदद से आपका कुछ रुका हुआ बड़ा काम पूरा हो सकता है। आज आपको विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। प्रेम विवाह संबंधी मामला यदि आपके पक्ष में नहीं है तो वह सुलझने वाला है। दूसरों की बात मानने के लिए आपको अपनी इच्छाएं जो है दबानी पड़ सकती है। किसी दोस्त या साथी की कोई कड़वी बात भी आपको बुरी लग सकती है। एकदम कोई बड़ा काम शुरू करने से आप परेशान हो सकते हैं। कोई काम अधूरा भी आप छोड़ सकते हैं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुछ खास मामलों में खुद को डिस्टर्ब होने से बचाए। अपने नजदीकी दोस्तों से सलाह करने पर आपको फायदा होगा। दिन अच्छे से निकल जाएगा। लगभग हर मामले में आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट रहना होगा। इससे आपके ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाएंगे। आज आप अपने नजदीकी लोगों के लिए भी स्ट्रिक्ट रहेंगे। प्रेमी से मिलने की इच्छा रहेगी। मन में उत्साह रहेगा। किसी भी काम और फैसले को लेकर के संकोच नहीं करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। छोटी छोटी बातों की बिल्कुल परवाह न करें और बड़े निवेश के ऑफर को आप टाल ही दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा खर्च हो सकता है। कैरियर भविष्य और टारगेट को लेकर के थोड़ी टेंशन आपके मन में आ सकती है। आज कुछ परेशानियां रहेगी। लापरवाही या संकोच में आकर के कैरियर से जुड़ा कुछ अच्छा मौका भी आप गंवा सकते हैं। किसी के लिए गलत फहमी भी हो सकती है। अपनी इज्जत बचाना या अपना प्रभाव जमाने के लिए आप झूठ का सहारा भी ले सकते हैं, इसलिए आपको झूठ बोलने से बचना होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। पुराना हिसाब चुकता हो सकता है। निजी जीवन में
कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आज हो सकते हैं। दोनों क्षेत्र में आपको अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। अचानक यात्रा हो सकती है, कामकाज में सफलता आपको मिलेगी, काम के प्रति जोश रहेगा, ऑफिस में आपकी जो है प्रशंसा होगी, भाई बहनों की मदद भी आपको मिलेगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी, अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। खास लोगों के प्रति अपने व्यवहार में थोड़े सावधान रहे, नकारात्मक सोच आप पर भारी हो सकती है, दूसरों के साथ आपकी पटरी कम ही बैठेगी। घर परिवार में कुछ कंफ्यूजन आज आपको पैदा हो सकता है, कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी में कदम न उठाएं, अचानक थोड़े ज्यादा आक्रामक आप हो सकते हैं, गलत फहमी के आसार भी है, कोई बनी बनाई बात आपको जो है छोटी सी गलती के कारण बिगड़ सकती है। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। इस राशिफल के वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि आपने अभी तक आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मित्रम को और हमारे दूसरे चैनल आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इसी प्रकार लगातार आप हमारे सभी वीडियो को देखते रहिएगा। मित्रों, आप सभी को, आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद, शुभ रविवार।